हेलो दोस्तों, मैं हूँ आश्रम माजुम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टो के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जब बिल्ड क्वालिटी का नाम आता है तो ये गाड़ी आपको पता ही है बहुत बदनाम है बिल्ड क्वालिटी की। इसके लिए इसकी टीन प्लास्टिक बहुत चीप है, तो फिर आज देख ही लेते हैं आपको इसमें क्या क्या बेकार बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। और हाँ भाई, आप इससे ना ऐसा कोई मतलब मत निकालना, हाँ भाई ये गाड़ी वाकई में बेकार है ऐसा वगैरह। चलो मैं इस गाड़ी को लेता नहीं, इससे मैं अच्छा इससे थोड़े से ज़्यादा पैसे डाल के दूसरी गाड़ी ले लेता हूँ। भाई कौन सी गाड़ी के एडवांटेज होते हैं, किसके डिसएडवांटेज होते हैं, आपको माइलेज बढ़िया देती की गाड़ी, क्योंकि इसकी टीन क्वालिटी हल्की है, कुछ इसका वजन है सिर्फ 1700 से 1800 किलो तक। आपको इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा, रीसेल वैल्यू भी आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी इसमें। और यूट्यूब पे तो आपने बहुत वीडियो देखा होगे, भाई लोग बता देते हैं ऐसे बोनोटॉप के भाई गाड़ी लोकल है ये थोड़ा सा इधर, लेकिन मैं अभी आपको अंदर से बताऊंगा क्या क्या माल छुपा के रखा है मारुति ने अंदर, इंजन वगैरह उसका कैसी फिनिश देती है मारुति। और मुझे पता है डिसलाइक करने वाले भाई डिसलाइक करेंगे, लेकिन कभी भी सच्चाई कड़वी होती है। चलो इसका बोनट खोलते हैं, चलो इसका बोनट खोल लेते हैं। अभी देख लो भाई इसका इंजन, देखो आपको इधर कैसी वायरिंग खुली हुई देखने के लिए मिलती है। ये देखो आपको मारुति कैसे बोनट के नीचे इतनी मस्त डिजाइन करके देती है, देखो कैसी है मिलेगी। देखो इसका बोनट कितना पतला है, जब मैं ऐसे इसको ठोकूंगा ऐसे हिलता है, मतलब कितनी चिप क्वालिटी का है। और इधर कोई ऐसा गद्दा दे नहीं रखा है बोनट के नीचे, अपने खुद से ऐसी पैकिंग करनी पड़ती है बोनट के नीचे। और इसका बोनट भी देखो कितना आपको अजीब तरह से बना हुआ देखने के लिए मिलता है, एकदम डेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये गाड़ी हमने ठोक रखी है, ये पहले से ही ऐसे। और इसको बनाने टाइम मारुति वाले ने ऐसा सोचा कि बार बार से तो इसको ऐसे बढ़िया बना देते और अंदर से ऐसा कुछ भी मसाला कर देते इधर उधर कुछ भी। और ऐसा नहीं है भाई कि ये मारुति की एकदम लोअर सेगमेंट वाली गाड़ी है, इसके लिए आपको इसमें से सफाई देखने के लिए मिलती है, ऐसा नहीं है। आपको बोले ना ले लो डिज़ायर वीज़ा कुछ भी ले लो, उसमें भी आपको ऐसी सफाई देखने के लिए मिलती है मारुति की कार्स में। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि लोअर सेगमेंट की गाड़ी है इसके लिए कुछ भी दे देंगे। भाई कोई बंदा लेता है तो अपनी मेहनत की कमाई से लेता है, और उसके मेहनत की कमाई में उसको ऐसी गाड़ी मिले, ऐसी डिज़ाइन, मतलब ऐसा बोनट के नीचे आपको ऐसा देखने के लिए मिले, तो फिर क्या है भाई उसका मतलब। फिर वो गाड़ी 2 लाख की हो क्या 4 लाख की हो, तो अपनी मेहनत से ही लेता है ना, फिर उसको मेहनत का फल ऐसा मिले तो फिर क्या है उसमें। तब चलते इसके बूट स्पेस में, बूट स्पेस में भी आपको क्या ऐसी फिनिश देखने के लिए मिल जाए तो देख लेते। नहीं भाई आपको इधर थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलता है बोनट से ऐसा कंपेयर करें तो, लेकिन है इधर भी थोड़ा थोड़ा सा। और जब भी आप इसके ऐसे दरवाजे खोल दे तो आपको ऐसे सेफेस्ट फीलिंग नहीं आती ना कि मैं एक सेफेस्ट कार में बैठा हूँ। वैसे भी इस गाड़ी को 0 स्टार मिल रखे हैं। इंटीरियर से बात करें तो आपको इधर अच्छा प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, इधर आवाज़ से आप पता लग सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा चिप मिलता है, लेकिन ये जो है ना ये बहुत अच्छा है, ये भी आपको थोड़ा सा अच्छे देखने के लिए मिलता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अरे देखो ये कैसे हिलता है, और देखो इसका डोर भी कितना पतला है। वाकई में भाई लोग बोलते हैं ना ये गाड़ी बेकार है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, थी नहीं इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी अच्छी है इंटीरियर से। वाकई में भाई अभी वीडियो बनी रही है बिल्ड क्वालिटी से, तो मैं आपको अभी इससे बाहर का भी बता देता हूँ बाहर से कैसी है। इसके बोनट में आपको ठीक है, मतलब ज़्यादा भी अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। इसके फेंडर की याद करें तो ये भी थोड़ा सा अच्छा है। और हाँ भाई इसका बम्पर बहुत अच्छा है ऐसा क्वालिटी के मामले में, ऐसे ठोक के देखे तो। और भाई ये क्रैचेस कहाँ से आ जाते हैं इसके बोनट पे, क्या पता आपको दिखे क्या ना दिखे, कैमरा में थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो इसके दरवाजे भी अच्छे क्वालिटी के दिख रहे हैं। इसका जो फ्यूल भरने का जो कवर है ना, उसमें भी आप बेकार क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि गाड़ी ने अभी रस्टिंग पकड़ना चालू कर दिया है। ये देखिए इसका कवर, ये देखिए इसका पिछला बम्पर कैसे चिपकाना पड़ता है। और इसका आगे का बम्पर तो अच्छा है लेकिन पीछे का एकदम लोकल है, जैसा कि मैंने आपको आगे बोला एक क्रैचेस कहाँ से आ रहे है वैसा पीछे के बम्पर पे भी है। और इतना लोकल है कि आपको ये सब हमने नीचे से ऐसा तार से बांध रखा है
जब गड्ढे आ जाते हैं तो बस खर 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 खर। और भाई आप इससे ना बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत होना कि गाड़ी वाकई में इसका बोनट वगैरह ऐसे थीन क्वालिटी का है, प्लास्टिक थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ये भाई और सच्चाई ना छुपी नहीं रहती आपको इसकी। मत होना कि गाड़ी वाकई में लोकल है, माइलेज वगैरह आपको इसमें बढ़िया देखने के लिए मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस आपको इसमें रीसेल वैल्यू भी बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है। और भाई सच्चाई छुपी नहीं रहती, इसका जो अच्छी बात थी वो मैंने बताई, जैसे इंटीरियर से प्लास्टिक बढ़िया तो मैंने बढ़िया ही बताया, जैसे आपको बोनेट के नीचे एकदम मस्त डिजाइन देखने के लिए मिलती है मैंने वो बुरी ही बताई। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल आश्रय महाजन को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, अगर गाड़ी पसंद नहीं आई होगी तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना, हम ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लेके आने ही वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।